हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकर होम। आज मैं 3 ऑसम एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। फ्लैश कॉटन से तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। यह कमाल का कॉटन होता है, एक ही झटके में पूरा जल के समाप्त हो जाता है। उस फ्लैश कॉटन को तो मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, लेकिन मैं आज खुद से फ्लैश कॉटन बनाने वाला हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। फ्लैश कॉटन बनाने के लिए नॉर्मल कॉटन लेंगे और इसका नाइट्रेशन कर देंगे। यह है सल्फ्यूरिक एसिड और यह है नाइट्रिक एसिड। इस दोनों का यूज करेंगे नाइट्रेशन के लिए। और मैं ले रहा हूँ बर्फ, क्योंकि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर बाहर इस रिएक्शन को कराते हैं तो रुई जल जाएगा, इसलिए मैं इस रिएक्शन को इस बर्फ में कराऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों को मैं बराबर बराबर मात्रा में मिक्स कर दे रहा हूँ। इस नाइट्रिक एसिड में से स्मोक निकल रहा है, आप देख सकते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालते डालते और ज़्यादा स्मोक निकलने लगा। इस रुई का मैं छोटा छोटा सा गोला तैयार कर ले रहा हूँ, ताकि सॉल्यूशन में अच्छे से भीग सके। और मैं इसमें पेपर भी डालूंगा, ताकि फ्लैश पेपर बनाया जा सके। तो चलिए इसको इस सॉल्यूशन में डालते हैं। यह पूरा अब भी नहीं भीग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको दबा दे रहा हूँ। और मैं इन सभी रुई को इसमें रख दे रहा हूँ, साथ ही साथ इस पेपर को भी रख करके मैं भिगो दे रहा हूँ अच्छा से। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दे रहा हूँ। अब यह तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा हूँ। न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं पानी ले रहा हूँ और इसमें बेकिंग सोडा मिक्स कर दे रहा हूँ अच्छा से। उसके बाद से इस रुई को मैं निकाल करके इसमें रख दे रहा हूँ। वो ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये देखिए। ओ इसी तरह मैं सभी रुई को इसमें रख दे रहा हूँ, साथ ही साथ मैं पेपर को भी रख दे रहा हूँ। कुछ ही देर में यह न्यूट्रलाइज हो चुका है। चलिए अब इसको धूप में रख दे रहे हैं सूखने के लिए। इसको मैं जोर से प्रेस कर दे रहा हूं, ताकि इसमें का पानी निकल जाए। और मैं इस पेपर को भी ले जा करके धूप में रख दे रहा हूं। फाइनली हमारा नाइट्रोसेल्यूलोज कॉटन तैयार हो गया है। चलिए अब इसको जला करके देखते हैं। मैं इसको इस बार हाथ पर नहीं जलाऊंगा, पता नहीं यह कितना तेजी से जल जाएगा या स्लो जलेगा, मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं इसको टेबल पर रख करके जला रहा हूँ। वो वो चलिए अब इस पेपर को जलाते हैं, जिसको मैंने कॉटन के साथ ट्रीट किया था। यस, यह भी जल जा रहा है और इसमें से थोड़ा सा भी राख नहीं बचा है। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोटर। इस तरह के मोटर को हम लोग लाखों वोल्टेज से चला सकते हैं। इसमें बहुत ही कम एम्पियर की जरूरत होता है। तो चलिए इस अमेजिंग मोटर को बनाना स्टार्ट। मैं ले रहा हूँ इस तरह का एक बोतल और इसके पीछे पिन के साइज का होल कर दिया हूँ। उसके बाद चाहिए हमें एल्युमिनियम फॉयल और इसके साइज का काट लेंगे कुछ इस तरीके से। इस एल्युमिनियम फॉयल को इस बोतल के बीचों बीच लगाना है अंदर से। इसको अंदर ले जाने के लिए मैं सिंपली इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर रख दे रहा हूँ। और इसको मैं गोल बनाकर अच्छे से टेप से फिक्स कर दे रहा हूँ। अब यह कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ढक्कन में चाकू से छोटा सा गड्ढा कर दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं ले रहा हूँ एक पेन, इसका निब मैं पहले से ही निकाल दिया हूँ। और चाहिए हमें एक सुई, इसको इसके बीच में लगा करके फेविक्विक से फिक्स कर दे रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ एक टूथपिक्स और प्लास्टिक का ट्रे। इसमें मैं टूथपिक्स के साइज का पहले से ही होल कर दिया हूँ। पेन को सीधा रखने के लिए मैं टूथपिक्स को पेन में लगा दे रहा हूँ और इसको प्लास्टिक में फिक्स कर दे रहा हूँ, ताकि पेन सीधा रह सके इस तरह से। अब इसको मैं ग्लू से फिक्स कर दे रहा हूँ। चलिए अब मैं इसको इसके बीचों बीच लगा दे रहा हूँ, ताकि अच्छे से स्पिन कर सके। इसको स्पिन करने पर देखिए कितना इजीली स्पिन हो जा रहा है। अब मैं इलेक्ट्रोड्स के लिए एल्युमिनियम कैन ले रहा हूँ और इसके इस वाले भाग को
काट दे रहा हूं। इसमें ध्यान रहे कि इसका एज पूरा सीधा होना चाहिए। अब मैं 4 कॉपर वायर ले लिया हूं और यहां से इंसुलेशन हटा दिया हूं। उसके बाद मैं इसको एल्युमिनियम में लगा दे रहा हूं। अब यह इलेक्ट्रोड्स तैयार हो चुका है, तो चलिए इसे मोटर के पास फिक्स कर देते हैं। इसके बीच का दूरी थोड़ा सा का अंतर होना चाहिए ताकि इजीली यह मूव कर सके, और ज़्यादा दूरी भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मैं 4 इलेक्ट्रोड्स लगा दे रहा हूँ चारों तरफ से। इसमें 4 इलेक्ट्रोड्स लग चुका है। चलिए अब इसको स्पिन करके देखते हैं। यस, यह इजीली स्पिन हो जा रहा है। अब मैं इसके वायर के कनेक्शन के लिए दोनों आमने सामने पॉजिटिव और दोनों आमने सामने निगेटिव रखूँगा। सबसे पहले मैं निगेटिव वायर आमने सामने जोड़ दे रहा हूँ और पॉजिटिव वायर भी इसी तरह से जोड़ दे रहा हूँ। आउटपुट के लिए पॉजिटिव में रेड वायर जोड़ दे रहा हूँ और निगेटिव के लिए मैं ब्लैक वायर जोड़ दे रहा हूँ। इस तरह से हमारा आउटपुट निकल जाता है। अब यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोटर पूरा तरह से तैयार हो चुका है। इस मोटर को चलाने के लिए हम वान डेर वाल्स जनरेटर का यूज करेंगे। वान डेर वाल्स जनरेटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर होता है जो लो करंट पर हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। इससे यह मोटर आसानी से चल जाएगा, तो चलिए इसे चलाते हैं। इसका एक मैं सबसे पहले टेस्ट कर ले रहा हूँ, अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं। यह बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है। चलिए अब इसका कनेक्शन कर देते हैं और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करके देखेंगे यह चल जा रहा है कि नहीं। मोटर का निगेटिव वायर और वान डेर वाल्स का निगेटिव वायर मैं जोड़ दे रहा हूँ और इसका पॉजिटिव वायर इसके ऊपर वाले गोंग में लगा दे रहा हूँ। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं यह चल जा रहा है कि नहीं। इट्स वर्किंग। यह 4 लाख वोल्ट जनरेटर, इससे हम लोग इस मोटर को चलाएंगे। वान डेर वाल्स तो 2 लाख वोल्ट प्रोड्यूस करता है। इसमें होता है छोटा छोटा कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज स्टोर करता है। तो चलिए इसे चलाते हैं, निश्चित ही इससे मोटर और ज्यादा फास्ट चलेगा। और देखिए कितना स्पार्क निकल रहा है। अब मैं इसका वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसको मैं स्टार्ट करके देख रहा हूँ चल जा रहा है कि नहीं। बहुत ही फास्ट चल रहा है यह। इस तरह का मोटर इलेक्ट्रिक चार्ज के अट्रैक्शन और रिपल्शन के बेस पर काम करता है। चलिए अब इसको अंधेरे में चला करके देखते हैं यह कैसे काम कर रहा है। वाह, रात में तो यह बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। यह पेपर कप, इस पर लिखा हुआ है कि यह हेल्दी, हाइजेनिक और इको फ्रेंडली है। क्या यह वास्तव में ऐसा है? तो चलिए इसका एक टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि अगर प्लास्टिक कप का यूज करते हैं तो हेल्दी, हाइजेनिक और इको फ्रेंडली नहीं होता है। इसका टेस्ट करने के लिए मैं सिंपली इसको वाटर में रख दे रहा हूँ कुछ समय के लिए। यह पेपर कप है, देख सकते हैं पेपर कप ही है। अब मैं इसको रख दे रहा हूँ पानी में कुछ समय के लिए। अब मैं इस पेपर कप को पानी से बाहर निकाल दे रहा हूँ। यस, अभी भी यह सुरक्षित है और इसको मैं साफ कर रहा हूँ इस तरह से। ओ माय गॉड, ये देखिए इसमें से क्या निकल रहा है, प्लास्टिक्स। पेपर कप में भी प्लास्टिक का यूज हुआ है। इसका मतलब पेपर कप और प्लास्टिक कप में थोड़ा सा का अंतर है। पेपर कप में सिर्फ थोड़ा सा पेपर लगा दिया गया है, बाकी तो इसमें प्लास्टिक है ही। इसका मतलब यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इको फ्रेंडली नहीं है। किसी भी प्रकार के प्लास्टिक में जब हम लोग बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा लिक्विड पीते हैं तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इससे बहुत सारे डिजीज जैसे हार्मोनल डिसऑर्डर, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारी हो जाते हैं। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।